स्वागत है भाई लोगों आपका लर्न कोडिंग विद भाई में। और भाई मैं हूँ रोहित आज़ाद मलिक और आपका लर्न कोडिंग विद भाई चैनल पे स्वागत है। और भाई हम पढ़ रहे थे रिएक्ट जेएस फॉर्म वैलिडेशन विद रिएक्ट हुक फॉर्म। तो भी लास्ट क्लास में ना हमने इसकी वैल्यूज़ गेट करके देखा था और सेट करके देखा था, जिससे कि हमारी स्टेट भी अपडेट हो रही थी और उसको हमने प्री रेंडरिंग करने से पहले हमने उसको ब्लॉक भी किया था। तो अभी देखो आज ना हम बेसिकली एक इसमें नई चीज़ पढ़ रहे हैं, नई चीज़ पढ़ेंगे क्या कि भी इसका टच होता है, डर्टी होता है और इस डर्टी होता है क्या होता है, मतलब ये बेसिकली क्यों हम यूज करते हैं। ठीक है, हमने ये डे विजुअलाइजेशन डाला है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि भी नेटिव नेम है, यानी कि जो फील्ड है उसका नाम नेम है, वैल्यू उसकी रोहित आज़ाद है, टच इसका फॉल्स है, डर्टी इसका फॉल्स है। तो बेसिकली ये है क्या, जो देखो जो हमारा वैल्यूज होता है, वैल्यूज तो पता ही होता है कि भी जो वैल्यू है इनपुट फील्ड है, जो उसने वैल्यूज उसने इनपुट की है या कोई पीछे से रेंडर हो गया है ये, तो वो इसकी वैल्यूज है। अब टच क्या होता है, टच से हमें पता चल रहा है कि भी टच यानी किसी को हमने टच किया, सिंपल लैंग्वेज में मैंने किसी को टच किया तो यानी कि उसकी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, बाय डिफॉल्ट की वैल्यू क्या है, फॉल्स, मैंने उसका टच नहीं किया, जैसे आपने उसको टच किया उसकी वैल्यू चेंज हो गई। सेम अगर मैं यहाँ पे रोहित आजाद की फील्ड को टच कर लेता हूँ, ठीक है, टच मैंने कर दिया और जैसे ही मैं इससे बाहर निकलता हूँ, ठीक है, देखो इसकी स्टेट चेंज होगी, टच क्या हो गया मेरा, ट्रू हो गया। तो टच का मतलब तो यहाँ पे ये होता है कि आपने किसी फील्ड को टच किया और उसकी वैल्यू चेंज होगी। ये भी बेसिकली होता है क्या ना कि कहीं आपने फॉर्म में वैलिडेशन लगानी है कि भी अगर यूजर इस इनपुट फील्ड को टच करता है या नहीं करता है, तो उस केस में आपने कोई मैसेज दिखाना हो, कुछ पॉपअप दिखाना हो, एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट हमारा आता है डर्टी। डर्टी बेसिकली क्या होता है, जो आपकी इनपुट फील्ड की जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू आपकी है, अब उस वैल्यू को आप अपडेट करते हो, जो वैल्यू है वो वैल्यू अगर चेंज होती है तो डर्टी की स्टेट हमारी चेंज हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अगर आप हल्का सा स्पेस मैंने दे दिया तो देखो मेरी डर्टी ट्रू हो गई, ठीक है, वापस मैंने स्पेस को रिमूव किया तो डर्टी मेरी फॉल्स होगी। देखो मैंने इसका नाम चेंज कर दिया मलिक, तो ये डर्टी मेरी ट्रू होगी, और अगर मैं इसको वापस हटा देता हूँ डर्टी मेरी फॉल्स होगी। तो बस ये स्टेट है इसकी, टच एंड डर्टी की स्टेट का मतलब। अब ये तो हो गया कि भाई मैं विजुअलाइजेशन के थ्रू डेव टूल में दिखाई दे रहा है, बट अगर सेम चीज़ अगर मुझे कोड में चाहिए, मुझे कंसोल पे प्रिंट कराना है, मुझे किसी वैल्यू में लेना है और मुझे वहां पे कुछ लॉजिक इंप्लीमेंट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो भाई ज़्यादा नहीं है कुछ भी, प्रीवियस ही क्लास का ही है, जो हमारा फॉर्म बना था उसी के अंदर ही जो हमारे एरर्स एरर्स आ रहे हैं, यानी कि फॉर्म स्टेट में हमने एरर्स लिया था, ठीक है, फॉर्म के अंदर ही। तो मैं यहीं पर ही ये हमारा मिल जाएगा फॉर्म्स के अंदर ही, मैं डिस्ट्रक्चर करके ही डाल देता हूँ, टच फील्ड, ठीक है, एक हमारी टच फील्ड्स है, एक डर्टी फील्ड्स और इज डर्टी, ठीक है, ये तीनों के तीनों मुझे चेक करने हैं। अब उसके बाद मुझे ना कंसोल में कंसोल डॉट लॉग मैं इन तीनों को एज ए ऑब्जेक्ट में प्रिंट करा लेता हूँ, ताकि मुझे देखने में आसानी हो कि भी कौन सा टच आ रहा है, डर्टी की फील्ड्स क्या आ रही है, डर्टी की फील्ड्स क्या आ रही है। तो बेसिकली मैंने इसको कंसोल में प्रिंट करा लिया एज ए ऑब्जेक्ट के साथ। अब हम इसको चेक करते हैं कंसोल पे जाके, कंसोल पे वैल्यू देखो क्या आ गई, जैसे मेरा मैंने पेज को एक बार रीलोड कर देता हूँ, देखो आपके देखो आ गए ना बस ऑब्जेक्ट डर्टी फील्ड्स, अभी डर्टी फील्ड्स कोई भी नहीं है, ठीक है, इज डर्टी अभी मेरा फॉल्स है, टच फील्ड अभी कोई फील्ड टच नहीं हुई है। अगर मैंने क्या किया, नेम को किया टच कर दिया, ठीक है, और मैंने ईमेल को भी कर दिया टच, तो देखो लास्ट में क्या है, मेरी नेम और ईमेल की फील्ड टच हो गई है। अगर मैं देखूं लास्ट का जो मेरा कंसोल प्रिंट हुआ है इसमें क्या दिखा रहा है, टच फील्ड में देखो, टच फील्ड के अंदर मेरा इसने ईमेल को भी ट्रू कर दिया और नेम को भी ट्रू कर दिया, यानी कि यूजर ने ईमेल एंड नेम की फील्ड को टच किया है, सिर्फ टच किया है, अभी उसमें कुछ अपडेशन नहीं हुआ कंटेंट। अगर मैं इसको अपडेट कर देता हूँ मलिक के एंड भाई ईमेल आईडी को मैंने कर दिया अपडेट, जीमेल डॉट इन कर दिया। नेक्स्ट मैंने क्या किया, मैंने देखा क्या दिखा रहा है, देखो ये आपका डर्टी फील्ड्स, ईमेल ट्रू हो गया, नेम भी आपका ट्रू हो गया, इस डर्टी आपका ट्रू दिखा रहा है, टच फील्ड ट्रू ट्रू दिखा रहा है। तो यानी कि यहाँ से आप फ्लैग ले सकते हो, चेक कर सकते हो कि यूजर ने कुछ अपडेट किया है या टच किया है, और अगर वापस से यूजर अगर वापस जाता है, मैंने नाम चेंज कर दिया और भाई जो मेरी ईमेल आईडी थी सेम मैंने कर दी, तो यानी मेरे दोनों का अब डर्टी मेरा फॉल्स हो जाएगा।
कंसोल में देखते हैं क्या प्रिंट हुआ, डर्टी फिल्स, कोई फिल्स नहीं आई है, किसी कोई वैल्यू अपडेट नहीं हुई है, इस डर्टी मेरा फॉल्स दिखा रहा है पूरे फॉर्म का। और टच फील्ड ओनली दो फील्ड है जो जिसको मैंने टच किया, नेम एंड ईमेल। तो भाई यही था डर्टी फील्ड्स, इज डर्टी एंड टच फील्ड का, कि हम कैसे उसको कंसोल में चेक कर सकते हैं या कोड में चेक कर सकते हैं, इसका मीनिंग्स क्या है, कहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। तो भी आज की वीडियो में इतना ही था, एक बार ना आप ट्राई करना अपने हैंड पे, अगर आपको कोई दिक्कत आती है या गुस्सा होने में दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई या आपसे नहीं हुआ, तो आप मेरे को बताना या इस वीडियो को एक बार ना फिर से रिवाइंड करके देखना, अगर तब भी समझ में नहीं आता तो मेरा कॉमेंट करके बताना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा फिर से। ओके भाई, धन्यवाद आपने मेरा वीडियो देखा, अगर भाई अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट टॉपिक में, React JS फॉर्म वैलिडेशन विद React Hook फॉर्म के साथ। अभी कुछ इसके फील्ड बाकी हैं, वो हम लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके भाई, धन्यवाद आपका, आपने वीडियो देखी।